मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, रहना रहना मेरे दिल में रहना, जाने जाना अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझको नहीं सहना। सहने से याद आया, हाय जो लोग नहीं जानते, हाय मेरा नाम है इनाम। जो लोग जानते हैं, हाय मेरा नाम है इनाम। और जो लोग जानने और न जाने के बीच में आते हैं, हाय मेरा नाम भी रहेगा इनाम। आज का एपिसोड में आपका स्वागत है, स्वैग से करूंगा आपका स्वागत। फार्मर वर्सेस बेकर की कहानी है और मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, शुरू करेंगे कहानी आज की फार्मर वर्सेस बेकर। एक बंदा है, उसका नाम है रामू बेकरी वाला, और दूसरे बंदे का नाम है किसान राजू। सो किसान राजू और बेकरी वाला रामू के बीच में एक व्यापारी चलता रहता है। उस व्यापारी में क्या होता है, किसान वाला राजू जो है बेकरी वाले रामू को 1 पाउंड मस्का देता है, ठीक है। इसमें इनका बिजनेस चलता है, तो ये बिजनेस जो है, जो हर तरह से बिजनेस चलता रहता है। बेकरी वाला रामू एक दिन देखता है कि ये मस्का जो है किसान राजू जो देता है, वो 1 पाउंड देना चाहता था बट नहीं दिया। तो देखता है ऐसे ही एक्शन नहीं करता वो। दूसरे दिन देखता है, तीसरे दिन, 4, 5, 6, 1 हफ्ता देखता है, उसको पता चल जाता है कि ये चोर है, ये किसान राजू चोर है। तो लड़ाई होती है, और हमेशा हर लड़ाई में क्या होता है, पुलिस आती है, और पुलिस देखती है कि इन दोनों के बीच में बहुत 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 ही क्रोधित लड़ाई हो रही है। तो बोलते हैं कि देखिए भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप दोनों कोर्ट पर जाइए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बेहतरीन केस को ले लेती है, और जज के सामने किसान वाला राजू और बेकरी वाला रामू दोनों खड़े रहते हैं। बेकरी वाला रामू समझाता है कि मिलॉर्ड देखिए, ये बंदा आके मैं इससे खरीदता था 1 पाउंड मस्का, और ये बंदा मुझे 1 पाउंड से बहुत कम मस्का हमेशा देता रहा। जज बोलता है क्या ये सच है, किसान वाला राजू हां बोलता है। जज बोलता है कि हां बेकरी वाला रामू, बहुत थैंक यू, आपकी आवाज तो मैंने सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आके सुनेंगे किसान वाला राजू की कहानी, उनके साइड से क्या स्टोरी, क्या कहानी। तो किसान वाला राजू बोलता है कि देखिए मैं आके मस्का इनको जो देता हूं, हमेशा जब भी मैं जाके मस्का देता था, तभी भी मैं इनसे 1 पाउंड ब्रेड लेता था मेरे घर के लिए खाने के लिए, और उसी 1 पाउंड ब्रेड आके वजन में डालता था, और एक और चीज मस्का डालता था। तो पाउंड ऑफ ब्रेड का जो वजन है, वही वजन में मैं मस्का डाल के इक्वल कर देता था। तो अगर इसमें मेरी गलती है तो मुझे सजा दीजिए, बट मेरी एक ही सजा नहीं है, इसमें बेकरी वाला रामू भी इन्वॉल्व है, तो हम दोनों की गलती है। अगर वो ऐसे दिया है तो ऐसे मैं दिया हूं। तो जज सुनता है, बोलता है कि ठीक है, फाइनल ऑर्डर 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 के बाद बोलता है कि नहीं, ये जो है हिस्सा, ये है हिस्सा इन दोनों का, बेकरी वाला और किसान वाले का। और जज बोलता है कि मैं ये केस डिसमिस कर रहा हूं, ये आके है केस, जो सोया वो बोया और जो बोया वो पाया। तो रामू जी, आपने आपके एक्शन से जो बोया है उसी का ये रिजल्ट है, और किसान वाले राजू जी आप बे इंतहा घूमिए फिरिए। इसमें रामू को बहुत गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, और किसान वाले राजू को भी बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दे दिया था लॉयर को। और इस कहानी से हमको क्या सबक सीख हासिल होती है, एक ही सीख हासिल होती है कि जो हमारे एक्शन है वही हमको वापस रिपीट में थप्पड़ की तरह आ गए। तो देखते रहिए, आपके एक्शन देखते रहिए, मैं मेरे एक्शन देखता रहूंगा। और मेरा अगला एक्शन है, नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा मैं एक इंग्लिश टेल, एक कनाडा टेल और एक हिंदी टेल लेके। आज के एपिसोड से 3-3 दिन बेहतरीन कहानियां लेकर आऊंगा हर एक एपिसोड में। मेरा नाम है इनाम, और आप देखते रहिए मुझे कहना कहना, सोल 50 भी है कहना, रहना रहना इनाम तेरे दिल में रहना, जाने जाना अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझे।